बारिश के बाद कैसे खूबसूरत जड़ी बूटियाँ लग रही हैं इधर यार। ये देखो इतना बारिश है कि रमल है, रेट है सारे नीचे, फिर भी पानी चल रहा है इधर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मलिक अमजद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मलिक अमजद ऑफिशियल। आज के व्लॉग में करते हैं आपको वेलकम। हो गया हमारे यहाँ मौसम बहुत खूबसूरत बना हुआ है, बारिश, आज भी बादल हैं, रात सारी रात बारिश है, कल भी बारिश थी और जो है आगे भी बता रहे हैं दो दिन बारिश चलेगी। अभी जो है बारिश बरस रही है, थोड़ी थोड़ी जो है चल रही है, बादल भी है ऊपर देखें आप। सीड जो है लगा रहे हैं, कुछ हार्वेस्ट भी किया है, बारिश थी, नेट हाउस है ऊपर, हार्वेस्ट नहीं हो सका, कुछ कर भी दिया है और जो है अभी कुछ रहता भी है, सीड भी शाम तक दो सीड लगाने हैं और हमने दो ब्लॉक खीरा और लगा रहे हैं, दूसरा निकाल रहे हैं पुराना, वो भी दिखाया था आपको वीडियो में, उसकी जगह और लगा रहे हैं अभी। जी गाइस देखें, हार्वेस्टिंग के दौरान जो है बारिश ज़्यादा हो गई है, अभी देखें आ रही है बारिश, इसका वेट कर रहे हैं कि नेट हाउस ऊपर से बारिश गिरती है, जाली लगी हुई है ना ऊपर, इसीलिए देखें कि खीरा भी अंदर पड़ा हुआ है, गीला हो रहा है, कुछ हमने एक साइड पर कर लिया, कुछ वेट पड़ा हुआ है नहीं उठा सके, वो भी इसका कुछ वेट करना पड़ेगा, उसके बाद जो है आगे फिर बाद में हार्वेस्ट करेंगे, अभी नहीं हो सकता क्योंकि बारिश तेज़ चल रही है। बारिश के बाद हमारी हालत देखो कैसी हो गई, देख रहे हो ना, बाल बिखर गए, हवा तेज़, बारिश चली है, अभी जो मैं सीड लेके जा रहा हूँ, ये कुछ सीड लगाना है हम लोगों ने, अभी ट्रेलर जा रहे हैं, बड़े बड़े डबल डबल लगाया, अभी हमारे पाकिस्तान में सिंगल तो ट्रेलर तो उन्होंने डबल डबल लगा के चला रखे हैं। और अभी जो है मौसम इंजॉय कर रहे हैं, बारिश बहुत ज़्यादा आ गई थी, खीरे हम कुछ हार्वेस्ट कर रहे थे जिसके ऊपर नेट लगा हुआ था, जाली वगैरह मतलब, तो वो छोड़ दिया, दूसरा जो पौधे वगैरह निकाल रहे थे उधर चले गए हम सब, तो मौसम जो है इस वक्त इंजॉय वाला है, वीआईपी मौसम बन चुका है, ठंडी हवा चल रही है अभी। इंशाल्लाह बारिश के बाद कैसे खूबसूरत जड़ी बूटियाँ लग रही हैं इधर यार, बहुत खूबसूरत से पहाड़ के सामने गीले हो गए हैं अभी, अभी खूबसूरत लग रहे हैं, खूबसूरत दरख्त भी खूबसूरत लग रहे हैं इधर से, और ये जुड़ी बूटियाँ जितनी लग रही हैं ना, क्या बात है। ये जो केमिकल है मतलब खाद टाइप की है, तो उसी में ये डाल रहे हैं, ये जो भी मिक्स करके इसमें सीड लगा रहे हैं हम, और थोड़ा एक्स्ट्रा फायदा है और वो भी डालना पड़ता है इसमें, फर्टिलाइज़र है कोई तो डाल के, इसमें भी जो है ये ट्रे है, क्रेट बोल दें इनको, भरे करके सीड लगा के, सीड ऊपर पड़ा हुआ है देखे, उंगली से थोड़ा थोड़ा दबा के ऊपर थोड़ा और जो है इसमें वो डाल देंगे, मद वगैरह जो है वो डाल के, अभी उंगली से दबा रहे हैं ये देखें, ये थोड़ा नीचे हो जाएगा, ऊपर थोड़ा और दबा के लेवल करके साइड रख देंगे, ये जो है अभी लाइन में लगा रहे हैं, इसमें लगा के ऊपर ग्रिल देके पानी लगाएंगे, ग्रिल देने का मकसद ये है कि बीज नहीं निकलेगा इसमें से, पानी जो है इसको अच्छे से मिलेगा, बीज बाहर नहीं आएगा, तो ये 18,000 बीज लगा रहे हैं दो ब्लॉकों के लिए, ये शाम तक हो जाएगा शायद, देखो फिर क्या होता है, आज 9,000 हो जाए तो फिर अच्छा, अगर नहीं होगा तो मुश्किल। रुबल भाई 9,000 हो जाएगा आज पूरा, दोबारा बनाना पड़ेगा, दोबारा बनाना पड़ेगा, ये बनाने में टाइम लग गया था। हाँ सही है, सही है। अभी 4,000 बाकी बचा हुआ है, हाँ तो बुला के इसको निकालना है बाहर, इसकी जगह पे और पौधा लगाना है, और अंदर नज़र आ रहा है आपको नेट के अंदर से, और इधर भी जो है वो भी हार्वेस्ट हो रहा है अभी, बाकी आज के दिन लास्ट दफ़ा कर रहे हैं, उसके बाद पौधा निकाल देंगे, ये गीले पहाड़ बारिश की वजह से देखो, और खूबसूरत बूटियाँ माशाल्लाह, इसमें पौधा जो है अभी वो अभी खीरा तोड़ रहे हैं, ये पौधा खुश्क हो गया, कुछ निकाल भी दिए, ये देखें अंदर से माशाल्लाह जी, ये तो तकरीबन 1 फीट का यार, और 2 kg वज़न है इसका मेरे अंदाज़े के मुताबिक, ये सारा ऐसे हो गया बड़ा बड़ा, इसका सलाद बनेगा होटलों में जाके, बाकी और किसी काम का नहीं है, ये खाने के लायक नहीं है, सलाद में चलेगा ये, है बहुत बड़ा हो गया यार, गुच्छे देखो, आई वाह, ये देखें जी, कौन बोलता है कि ये खीरा है या खाने के काबिल है यार, इतना बड़ा हो गया ये देखो गुच्छे देखो, 10-10 किलो का एक गुच्छा है ये देखो, 10-10 किलो का, ये देखें आप नीचे ऊपर पड़ा हुआ है, इसका एंड हो गया अभी,
ये देखो कितना बड़ा है, ये तकरीबन 5 kg वज़न है इसका। 5 kg मैं हाथ में उठा के देख रहा हूँ, देखो 5 kg वज़न है इसका। ये ऐसे ही है सारा, तकरीबन 100 crate निकलेगा, आ जाएगा निकाला जाए सही से। तो ये देखो पौधा कुछ निकाल दिया, खुश्क हो गया, लेकिन ये बाकी था, इसमें से हम खीरा जो है अभी निकाल रहे हैं। ये पौधा ये भी कल तक निकाल देंगे बाहर, इसकी जगह पे न्यू सीड वो जो लगा रहे हैं ना, दो बुलाक उनका लगा रहे हैं सीड, उसमें से वो लगा देंगे दो का दो कुछ दिन बाद जो है निकालेंगे। और ये हार्वेस्ट हो रहा है, खीरा बहुत बड़ा हो गया, आपको दिखा दूँ, ये देखें बहुत बड़ा हो गया, तकरीबन 30-35 crate निकाल दिए। ये 100 में जाएगा, ये सारा बड़ा बड़ा है, ये सलाद के लिए इस्तेमाल होता है होटलों में, बड़ी बड़ी सलाद बनेगी इसी इससे। ये सेट बाकी है अभी कर रहे हैं ये लोग। तो जैसे कि आपको दिखाया है अभी, ये बड़ा बड़ा खीरा, इतने बड़े बड़े गुच्छे हुए क्या, ये देख क्या करेगा यार, ये पता नहीं, बहुत बहुत इसने एवरेज दिया है, 50-60 crate डेली के निकाले हैं हमने। अभी जो है ये एंड में पहुँचा हुआ है, 8-10 दिन कटिंग नहीं किया। ये देखो इतना बारिश है कि रम्बल है, रेत है सारे नीचे, फिर भी पानी चल रहा है, बट रास्ते के अंदर से आ रहा है जहाँ पे मतलब गार्डर बने हुए हैं वहाँ पे, हर जगह पे पानी की जगह है लाने की। तो ये देखो पौधा बिल्कुल ठीक खड़ा हुआ है, बारिश आज बहुत ज़्यादा हो रही है इधर, कटिंग नहीं किया इसीलिए कि ये कैंसिल हो गया था, अभी बड़ा हो गया तो ये ले रहे हैं सलाद वाले, सलाद के लिए इसीलिए काट रहे हैं, और सीड भी लग रहा है। तो आज की वीडियो का यहाँ पे इख्तिताम करते हैं, ऊपर बारिश भी आ रही है, ये नेट है ना इसीलिए। तो उम्मीद करते हैं आपको छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी, लग गई तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आदाब, मेरी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।